क्या हुआ? ये समोसा कहाँ से रखा मिला? समोसे वाले? क्यों लगा दारू पी? मैंने कहा पूरे कंट्री ने इनफैक्ट बहुत प्यार दिखाया है उसे भी मुझे भी प्रतीक को भी सलमान भाई नाराज नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी गालियाँ पड़ती थी हमें कुछ बता दीजिए मैम के बारे में अभी तो कल आज का दिन कैसा तो आपने पूरा देखा हमारे को एक साल अभी तो बट बहुत खुश है कि तेजस्वी जीती है और बहुत सारे लोगों ने बहुत पूरे कंट्री ने इनफैक्ट बहुत प्यार दिखाया है उसे भी मुझे भी प्रतीक को भी सो ये चार महीने की जो हमारी जर्नी रही है ये काफ़ी मुश्किल रही है बट एट द सेम टाइम हम लोग बहुत खुश हैं कि ये जो शो है इसने हमें इतना प्यार दिया है इतना लोगों ने हमें पूरे हिंदुस्तान में पूरे देश में पूरे कंट्री में सब जगह पूरी दुनिया से हमें इतना प्यार मिला है तो अब टाइम है एंजॉय करने का जब ने मेहनत की है उसका फल अब हमारे को मिलेगा सर मैं फैंस के लिए कुछ बोल दीजिए हम अपने फैंस को जब से मैं आया हूँ मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिखा है बहुत काइंडनेस दिखा है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं हम सब 24 के 24 कंटेस्टेंट थे हमारे नॉट जस्ट द टॉप 3 नॉट जस्ट द टॉप 4 सबको सब ने वेरी थैंकफुल वेरी ग्रेटफुल किया इतना सारा सलमान सर के बारे में कुछ बता दें सलमान भाई एक ऐसे मेंटोर हैं जिन्हें यू नो डिसअपॉइंट ना करने की हमारी एक वो होती है कि यार सलमान भाई नाराज नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी गालियाँ पड़ती थी हमें तो बहुत ही अच्छी जर्नी थी बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें कहा हम गलतियाँ करते थे हमें सुधारने का मौका मिलता था यू नो मज़े आए हैं हमें सलमान भाई के जितने हम पहले फ़ैन थे उनकी फ़ोटोज़ के उनकी पिक्चर्स के उनकी मूवीज़ के अब एज अ पर्सन हम उनके फ़ैन हैं हम तो रहे हैं 17 हफ्ते उनसे बातें की हमने सो वे वेरी वेरी हैप्पी कि हमें एक मौका मिला कल रात से जब से विनर डिसाइड हुआ है तब से ट्विटर पे आप दोनों ही ट्रेंडिंग बहुत ट्रेंड हो रहा है करेक्ट आई थिंक मुझे हमें अंदर नहीं पता था कि बाहर इतना प्यार मिल रहा है हम दोनों को हम तो कुछ भी कर रहे थे मैं पंजाबी में कुछ भी बोलता रहता था मुझे नहीं पता था कि वो ऑन एयर जा रहे हैं इतनी सारी गप्पे मारी हैं हमने अंदर आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था ये चार महीने जो मैंने वहाँ पर स्पेशली तेजा के साथ और उमर के साथ निशांत के साथ सबके साथ मेरे सारे जितने भी दोस्त थे वहाँ पर एक लाइफ ऑल्टरिंग जर्नी रही है ये और अब बस अब प्लान है आगे काम करने का और आगे बढ़ने का